किसका होगा राज तिलक, ये बहुत हद तक अब कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान में निर्भर हो गया है। जो अन्य है उनके ऊपर आपको बता दें कि चुनाव नतीजों पर बीएसपी की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएगी बहुजन समाज पार्टी, और मायावती ने विधायकों को दिल्ली बुलाया है मुलाकात करने के लिए। मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा वो 113 बीजेपी, कांग्रेस 107-8, एक एक बोलते बोलते में आंकड़ा बदल जाता है, और अन्य है 10 बीजेपी, राजस्थान में 80 कांग्रेस 96। अब से कुछ देर पहले जो 3-4 का फर्क था वो अब 16 का फर्क हो गया है, और अन्य 23। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज जिस रफ्तार से गिनती चल रही है उससे जो नतीजे हैं उनके आने में समय लगेगा, ये अभी हम केवल आपको रुझान दिखा रहे हैं। इसके बावजूद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का आप आंकड़ा लगभग लगभग आप तय मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर जितना बड़ा फासला है दो पार्टियों के बीच वो कम से कम ऐसा है कि जो पार्टी सबसे अधिक आंकड़े के साथ आपको दिख रही है वहां पर सरकार उसकी बन जाएगी, जिसमें कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ स्पष्ट तौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेक से पहले गौरव भाटिया ने आरोप लगाया था। आशुतोष, आप हालांकि यह बात सुबह अंजना ने स्पष्ट कर दी थी और आलोक जी ने भी इस बात की पुष्टि की थी। मैं गौरव जी को आखिरी बार ये बताना चाहता हूँ कि ये 3 दिसंबर को इंडिया टुडे की स्टोरी है। 3 दिसंबर, अगर मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन इसको जूम करके दिखा दें, 3 दिसंबर को इंडिया टुडे ने स्टोरी की है, और इस स्टोरी में जब आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाते हुए इंडिया टुडे ने लिखा है, और हमारे ख्याल से हमारे दोस्त और बड़े काबिल वकील गौरव भाटिया इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और ख़ुद अगर गूगल करेंगे तो उनको ये खबर स्टोरी मिल जाएगी। इसमें यह लिखा हुआ है कि इंडिया टुडे फैक्ट चेक फाउंड अमित शाह क्लेम टू बी मिसलीडिंग, यानी इंडिया टुडे ने जो फैक्ट चेक किया है उसमें अमित शाह ने जो दावा किया था कि सिर्फ कुछ धर्म के लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है या वायदा किया गया है वो गलत था। तेलंगाना कांग्रेस इन इट्स मैनिफेस्टो हैज प्रॉमिस्ड फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नॉट ओनली टू मॉस्क एंड चर्चेज बट ऑल्सो टेम्पल्स एंड अदर प्लेसेज ऑफ वर्शिप। यानी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है जो तेलंगाना का जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उसमें लिखा हुआ फ्री पावर सप्लाई विल बी गिवन टू ऑल टेंपल्स मॉस्क चर्चेज एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। आई थिंक अब मुझे लगता है गौरव जी को कृपया लोगों के सामने माफी मांग लेनी चाहिए, खेद व्यक्त कर देना चाहिए कि उन्होंने सुबह लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। कभी कभी जबान फिसल जाती है मैं मानता हूं, लेकिन इंडिया टुडे ने 3 दिसंबर को स्पष्ट तौर पर फैक्ट चेक किया था कि जो दावा अमित शाह जी ने किया, जो दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया वो गलत था। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को गलत तरीके से कोट किया था। आई होप दिस इज पीरियड, दिस एंड्स हियर। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले राजस्थान का हाल जानते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद।